पर मैंने कुछ मूल प्रश्न तैयार किए हैं, जिन मूल प्रश्नों का जवाब आपको खोजना होगा किसी भी कॉलेज में नामांकन कराने के पूर्व। पहला चीज, कॉलेज में नामांकन आपका जो करा रहे हैं, सबसे पहला विषय किस लिए करा रहे हैं? पढ़ाई के लिए करा रहे हैं, पढ़ाई के लिए, याद रखिएगा। और पढ़ाई कितने देर हो रही है, बहुत जरूरी है जानना कि जो कॉलेज जहां पर दिन में 2 घंटा पढ़ाई होती है, सुबह में 2 घंटा क्लास हुई, क्लास कभी हुई कभी नहीं हुई, ऐसे कॉलेज से आपका भविष्य नहीं बनेगा। अक्सर छात्र ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई कॉलेज तो जाते हैं साल में 2 बार। कब जाते हैं? तो 2 बार जाते हैं, एक बार फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, एक बार एडमिट कार्ड लेने जाते हैं। तो इस तरह के कॉलेज में नाम लिखा करके आपका भविष्य बन जाएगा, करियर बन जाएगा, आपको सीख जाएंगे, आपको क्षमताएं आ जाएगी, आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं और ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम भी प्रतिदिन 5 से 6 घंटा या 4 घंटा मिनिमम कितने देर की पढ़ाई कॉलेज में प्रतिदिन होनी चाहिए, प्रतिदिन। और साल में छुट्टियां कितनी होगी? जिस कॉलेज में हर एक थोड़े सा त्यौहार पर छुट्टी हो, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सिर्फ वही छात्र सिमेज में नामांकन ले जो 4 से 6 घंटा प्रतिदिन क्लास करेगा, और उसको सावन के सारे सोमवारी में भी क्लास करनी होगी, शिवरात्रि को भी क्लास करनी होगी, उसे जन्माष्टमी को भी क्लास करनी होगी, रामनवमी को भी क्लास करनी होगी, और उसे बकरीद के दिन भी, और ईद उल जुहा के दिन भी, और शबे बारात के दिन भी क्लास करनी होगी, गुड फ्राइडे के दिन भी क्लास करनी होगी। हाँ, कुछ कुछ त्योहारों में जैसे ईद के दिन छुट्टी होगी, जैसे दिवाली में छुट्टी होगी, होली में छुट्टी होगी, दुर्गा पूजा में छुट्टी होगी, 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन छुट्टी होगी, 1 जनवरी को साल का पहला दिन जो है बच्चों को छुट्टी दिया जाता है ताकि वो लोग, बच्चे चाहते हैं कि छुट्टी मिल जाए। तो लेकिन अब आप चाहेंगे कि नाग पंचमी की भी छुट्टी हो और सभी त्योहारों पर, हम सभी देवताओं का, सभी त्योहारों का, सभी पर्वों का, सभी आस्थाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम छुट्टियों को बहुत सीमित करेंगे। तो इसलिए गुरु नानक जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सीमेज खुला होगा। हाँ, छठ पे छुट्टी जरूर मिलेगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ छुट्टियों को मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन सरकारी संस्थानों में क्या होगा कि 150 दिन से भी कम दिन की पढ़ाई होगी और 2 से 3 घंटा भी प्रतिदिन क्लास नहीं होगा। तो जो छात्र चाहते हैं कि सिर्फ डिग्री लेना है और कम से कम क्लास करना है, उनके लिए ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? ऑब्वियसली आप समझ लीजिए, सीमेज अच्छा नहीं होगा उनके लिए। और जो अन्य निजी संस्थान है, इनमें से कई निजी संस्थान ऐसे हैं जहां पर MWF में क्लास होती है, MWF या TTS, इसका मतलब मंडे वेनेसडे फ्राइडे, जिसका होगा उसका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं होगा। तो भाई बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कुछ बच्चे कि हमारा कॉलेज तो बहुत ही बढ़िया है, मात्र सप्ताह में 3 दिन जाना है। तो जिन लोगों को ऐसा अच्छा कॉलेज चाहिए जहां पे सप्ताह में मात्र 3 दिन पढ़ाई होती हो और वो भी मात्र 2-3 घंटे की क्लास होती हो, वो लोग इस तरह के निजी संस्थानों में जाएं। सीमेज में सिर्फ वही आए जो प्रतिदिन 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करने को तैयार हो, और कभी कभी 6 घंटे से अधिक होगी, 7 घंटे का 8 घंटे का रूटीन भी सीमेज में बना है, और साल में 250 दिन से अधिक की क्लासेस, यानी कि कम से कम त्योहारों पर छुट्टी होगी, परीक्षा के बाद भी सीमेज तुरंत खुल जाएगा, परीक्षा के बाद अधिक छुट्टी नहीं मिलेगी।